हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बॉयज़ एंड गर्ल फोटो एडिटिंग है। आप देख रहे हैं, थंबनेल भी देख लिया होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड वाली फोटो को आपको पिक्सआर्ट में एप्लीकेशन में ओपन करना है। गर्ल्स पीएनजी मैंने पहले से ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंपली ऐड फोटो में जाके अपने मॉडल का फोटो लाऊंगा। मॉडल का बैकग्राउंड पहले से कटआउट किया हुआ है। अगर आपको बैकग्राउंड कट करना एचडी में नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो वाला वीडियो आप देख के सीख सकते हैं। पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे देखिए डन कर दिया हूँ कुछ इस तरह से लगा के। उसके बाद हम लोग सिंपली ऐड फोटो में चलेंगे। इसको क्रिएटिविटी थोड़ी सी अच्छी लगे तो यहाँ पर मैं एक बॉम्बो का पीएनजी ऐड कर देता हूँ। इसको मैं कुछ इस तरह से लगा देता हूँ, जैसे इसे ढड्डी कहते हैं गाँव में, तो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा। जैसे ढड्डी लगा हुआ तो रियलिस्टिक फोटो लगेगा, जैसे लगाएगा मैंने कैमरा से क्लिक किया। तो मैं यहाँ सिंपली इसको डन कर देता हूँ। डन करने के बाद ये रियलिस्टिक फ़ोटो तो लग ही रहा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बोरिंग सी लग रही, तो मैं लिप्स में अपनी लाइट कर देता हूँ। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक से लिप्स लग रही है। तो यहाँ पे सिंपली मैं ड्रॉ टूल में जाऊँगा। सबसे पहले ड्रॉ टूल में यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ड्रॉ टूल में ओपन करने के बाद कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कलर्स रेड लेंगे। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद डन कर देंगे यहाँ पे सही कनेक्शन पे क्लिक करके। उसके बाद स्क्रीन में इसको जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद लिप्स हम लोग यूँ पेंट करेंगे कुछ इस तरह से, हल्का हल्का बाहर हो जाए। तो आप यहाँ पे इरेजर टूल है, इरेजर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपको साइज एडजस्ट कर लीजिए, ओपेसिटी एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आप इसको इरेज कर दीजिए, जितना आपका एक्स्ट्रा पार्ट बाहर गया है उसको थोड़ा थोड़ा इरेज कर दीजिए। उसके बाद सिंपली हम लोग लेयर पैनल को क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ से इसका ओपेसिटी कम कर लेंगे ताकि रियलिस्टिक लगे, मतलब थोड़ी सी हमको लिप्स पर रेड कलर करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, फेक नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग इसको इतना करने के बाद सिंपली डन कर देंगे। अब मॉडल का फोटो मैच नहीं खा रही है अपनी फेस से, तो हम लोग मैच खिलाने के लिए सिंपली इसको यहाँ से सेव कर लेना है। यहाँ पे नहीं होगा तो हम लोग चलेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है, वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें मैं अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये रही मेरी फ़ोटो, इसको मैं इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए बीच वाले ऑप्शन है पेंसिल, इसी टूल से हम लोग इस्तेमाल करके अपनी फ़ोटो को क्रिएटिव बनाएंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसमें सेलेक्टिव टूल का यूज़ किया जाता है, तो ज़्यादातर आदमी इसमें सेलेक्टिव टूल का सबसे पहले इस्तेमाल ही करते हैं। तो इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो वाला वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पे इसको ब्राइटनेस इसका थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ मैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट डाउन कर देता हूँ माइनस में। उसका सेचुरेशन को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। इतना बड़ा करने के बाद देखिए फ़ोटो में मेरी थोड़ी चेंजेस आ चुकी है, तो पहले ब्लैक ब्लैक सी थी। तो सिंपली सेव कर लेना। सेव करने के बाद फिर से हम लोग पेंसिल टूल पे चलेंगे। यहाँ पे मेरी फेस से उसकी फेस मैच नहीं हो रही, तो हम लोग मैच कराना है पूरी अच्छी तरह से। अब हम लोग चलेंगे लेंस ब्लर में। लेंस ब्लर को क्लिक करते हैं, आपको इसको डाउन कर देना है, साइड में कर देना है, उसका सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ व्यूज एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीच में देखिए पेंसिल वाले ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे हम लोग, बॉक्स वाली पेंसिल। उसके बाद सिंपली यहाँ पे देखिए डाउन एरो का दिया हुआ, उससे आपका ओपेसिटी कम होगी लेंस ब्लर की। तो सिंपली 50 रख के आपको फेस पे इस तरह से स्मूथ आपको करते जाना है। जहाँ जहाँ आपका मतलब स्मूथ करने का मन हो वहाँ वहाँ आप इस तरह से पेंट कर सकते हैं। तो पूरी स्किन पे लगभग कर लीजिए थोड़ी थोड़ी 50% पे रख के, तो आपको रियलिस्टिक लगेगा। 50% से ज़्यादा कीजिएगा तो फेक लगेगा। सिंपली इतना करने के बाद डन करना है और एरो से बाहर आ जाना है। एरो से बाहर आने के बाद सिंपली इतना करने के बाद फिर से हम लोग टूल्स ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग यहाँ सेलेक्टिव टूल का हम लोग फिर से थोड़ा सा इस्तेमाल करके इस वाले हैंड पे थोड़ा सा मैं ब्लैक ब्लैक लग रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइटिंग दे देता हूँ। इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ी यहाँ पे रख लेता हूँ इसको मैं ब्लैक जहाँ पे है, तो यहाँ पे पॉइंट ब्लैक वाली पे रख के ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ। तो अब थोड़ी सी लग रही लाइटिंग उस वाले हैंड पे भी। तो सिंपली हम लोग फिर से पेंसिल टूल पर चलेंगे। पेंसिल टूल पर जाने के बाद इसको रियलिस्टिक लगने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डिटेल्स की, डिटेल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसका डिटेल्स थोड़ी सी हम लोग बढ़ाएंगे, प्लस में करेंगे, थोड़ी सी करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, करीब 49 के करीब। उसके बाद शार्पनेस का इसका बढ़ा देंगे थोड़ी सी, शार्पनेस 19 के करीब। उसके बाद डन कर देंगे। उसके बाद हम लोग ट्यून इमेज पर चलेंगे। ट्यून इमेज पर सेलेक्ट करने के बाद ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब हमारी फेस थोड़ी थोड़ी मैच खा रही है, तो ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा प्लस में रखेंगे, थोड़ा सा माइनस में रखेंगे। उसके बाद सेचुरेशन को भी माइनस में रखेंगे 12 के करीब, और एम्ब्रेंस को हम लोग माइनस में ले ही रखेंगे, प्लस में नहीं लग रहा है, प्लस में लाइटिंग आ जाती है, माइनस में रखेंगे।
उसके बाद हाइलाइट्स को प्लस में रखेंगे और शेडो को माइनस में करेंगे, थोड़ी सी माइनस में करेंगे 5 के करीब। उसके बाद वर्थ को कुछ नहीं करेंगे, ये माइनस में 1-2% रख सकते हैं, 4% यहाँ पे 4% कर दिए। उसके बाद डन कर लेना है। डन करने के बाद देखिए बिल्कुल मॉडल की फेस अपनी फेस से मैच खा रही है, बिल्कुल रियलिस्टिक फ़ोटो लग रही है। दोस्तों अगर आपको फोटो एडिटिंग पसंद आती है लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।